क्योंकि ऐसे तो ये लोग राय लेने में से हैं नहीं, तो कहते हैं कि नहीं डिप्टी मेयर हैं तो उनसे क्या राय लेना, सिर्फ मेयर का राय चलेगा। तो अभी तक तो यही होते आ रहा, अगर मेरी राय भी ली जाएगी, नहीं भी ली जाएगी तो भी एक चिट्ठा जो समाज की विकास की बात है उस विकास को मुद्दे को रखेंगे हम। नगर निगम द्वारा आम बजट को लेकर समीक्षात्मक बैठक का आयोजन। बेगूसराय 15 मार्च को मेयर, उपमेयर एवं नगर आयुक्त की अध्यक्षता में एक समीक्षात्मक बैठक की गई। इस बैठक में निगम के 45 वार्डों से एक गणमान्य नागरिक को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। आज की बैठक में आम लोगों की राय को निगम द्वारा नोट किया गया। वहीं आज की बैठक में शामिल समाज सेवी सरिता सुल्तानिया ने बताया कि आज की बैठक सकारात्मक रही और आशा है कि लोगों की राय के अनुसार इस बार नगर निगम द्वारा कार्य किया जाएगा। वहीं शिक्षक नेता सुरेश प्रसाद राय ने भी इस बैठक को सफल करार देते हुए बताया कि नगर निगम द्वारा जो बजट संवाद का कार्यक्रम रखा गया था वह बहुत ही सकारात्मक था। इस बैठक में आम लोगों को बुलाना एक बेहतरीन परंपरा की शुरुआत है। वहीं उपमेयर अनिता राज ने इस बैठक को बिना उनके जानकारी के जल्दबाजी में रखा गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए बोला कि हमसे राय के बिना ही बैठक बुला लिया जाता है। वहीं उन्होंने बोला कि हम विकास के साथ हैं, विकास अगर होगा तो मेरा पूरा योगदान रहेगा। बीएनपी न्यूज के लिए बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। संयोगवश मैं भी उस बैठक में आमंत्रित थी, मैं भी उस बैठक का हिस्सा बनी और मैंने अपनी माननीय मेयर के द्वारा जितनी भी योजनाएं और पर विचार करने के लिए उन्होंने पॉइंट आउट किया, वो सारे पॉइंट बहुत ही अच्छे और बेगूसराय के विकास के अकॉर्डिंग थे। तो ये विकास के ये पॉइंट देख के लग रहा है कि हमारी मेयर जरूर कुछ हमारे बेगूसराय के लिए करेगी और नगर निगम हमारा विकासशील बनेगा और बेगूसराय भी उसकी वजह से उन्नत दिखेगा। हमें खुशी है कि हमारे बेगूसराय में उपमेयर ने, मेयर ने, दोनों ने हम लोगों के विकास, बेगूसराय के विकास के लिए और इतनी अच्छी योजनाएँ उन्होंने सोची और हमारे सामने रखी। इसके लिए मैं अपने मेयर को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ और साथ साथ नगर निगम को भी देती हूँ। सारे कार्यों से नगर निगम भी हमारा बहुत अच्छा विकास करने वाला है। आप भी समाज से जुड़ी हुई हैं और कई संगठन आप चलाते हैं, खुद से आप क्या राय नगर निगम को बजट के लिए दी अपनी ओर से? मैंने नगर निगम में माननीय से एक रिक्वेस्ट की कि साफ सफाई, प्रदूषण और स्वच्छता के द्वारा और काफ़ी कुछ वो जैसी योजना में ला रही हैं उन्होंने किया। मैंने एक सुझाव दिया कि यहाँ पे ओला और उबेर जैसी भी कन्वीनियंट होना चाहिए व्यवस्था, क्योंकि यहाँ पे जो महिलाएं हैं विशेषकर वो टैक्सी के चक्कर में परेशान हो जाती है। बेगूसराय के आसपास बहुत सारी जगहें हैं जहाँ उनको जाने के लिए टैक्सी हायर करनी पड़ती है, तो अगर ओला या उबेर जैसी कुछ भी ऐसी व्यवस्था हो जाए तो शायद उन्हें आराम मिल जाएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट थी नगर निगम से। क्या लगता है कि आप जो राय दिए वो नोट भी हुआ वहाँ जी, वो सिर्फ पेपर नहीं रह जाएगा कि धरातल पर उतरेगी जी? ये तो मुझे तो लगता है हमारी मेयर साहिबा काफ़ी एक्टिव हैं और करेंगी वर्क को, और वैसे ये चीज़ तो कुछ साल कुछ महीनों के बाद ही दिख जाएगी, लेकिन उम्मीद है कि वो कर लेंगे। इससे पहले भी बैठक हुई उसमें आम लोगों की राय दिया जाता था क्या? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम अभी इस बार बैठक में शामिल हुई, हमारे पास कभी कोई ऐसी खबर नहीं थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरिता सुल्तानिया और वनवासी का। क्या बोले हम, सफल बैठक हमने नहीं बुलाया था, नगर आयुक्त ने बुलाया होगा या मेयर साहिबा ने बुलाई होगी, क्योंकि 11 बजे हमें लेटर आया है कि 12 बजे बैठक है, तो मुझे खुद भी पता नहीं था। वहाँ जाने के बाद दिखा कि कुछ अभिभावक तो थे वहाँ, लेकिन कुछ और होते, अगर हम लोग भी रहते, अगर पहले से सलाह ली जाती तो कुछ और ऐसे गणमान्य व्यक्ति को बुलाते जो सही सजेशन देते। ऐसे बहुत सारे हमारे जो अभिभावक लोग थे, शहर के विकास पर अलग अलग मुद्दा पर अपनी अपनी प्रस्ताव दिए हैं और उसको ऐड किया गया, रखा गया है लिखित रूप से। आप लोगों की बजट की बैठक जो होगी, आपसे क्या कहना, आप तो खुद अगर बोर्ड में होंगे, जब बजट की बैठक चल रही थी उस समय भी मैंने कहा कि ये दुर्भाग्य ही है कि मैं डिप्टी मेयर हूँ लेकिन मुझे 11 बजे लेटर मिलती है, 12 बजे बैठक में आती है, बैठक में हम आते हैं। और मैंने जो चुनाव के समय में 45 वार्ड भ्रमण किया था और जो जो त्रुटि लगा तो पहले आप लोगों से राय ले लेते हैं, अपनी बात भी हमें बोर्ड में ही रखना होगा आप लोगों के समक्ष ही। नगर निगम बेगूसराय के द्वारा
बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम का आयोजन जो नगर निगम के सभागार में किया गया, मेरे दृष्टिपथ में एक बहुत ही सकारात्मक और अच्छी पहल है नगर निगम की। सशक्त समिति बजट के लिए जो प्रावधान किया, बजट के लिए जो रूपरेखा बनाई, जिन बिंदुओं पर बजटीय प्रावधान किया गया, उसके अतिरिक्त नगर निगम क्षेत्र के जो नागरिक हैं, जिनके लिए नगर निगम है, जो नगर निगम को टैक्स देते हैं, जिनके कारण नगर निगम की आय आती है, उन लोगों में से कुछ लोगों को बुलाना एक बेहतरीन परंपरा की शुरुआत है। मैं इसके लिए नगर निगम को धन्यवाद देता हूँ। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत होने पर उस संवाद कार्यक्रम में वार्ड 29 का प्रतिनिधित्व करते हुए मैंने कुछ बिंदुओं को रखा। जैसे मैंने रखा सबसे ज़्यादा कि उनका जो प्रावधान था, कहीं उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण चर्चा नहीं की थी। जल जीवन हरियाली का प्रावधान था, ठीक है, वह अभी प्रदूषण नियंत्रण का एक पार्ट है, लेकिन आज नगर निगम क्षेत्र बेगूसराय हिंदुस्तान का सबसे प्रदूषित क्षेत्र है। नगर निगम में रहने वाले लोगों का जीवन दुभर होता जा रहा है, खास करके जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो छोटे बच्चे हैं, तो दिनों दिन बीमार पड़ते जा रहे हैं। मैंने इस ओर ध्यान आकर्षण किया कि आप इसके लिए विशेष प्रावधान नगर निगम के बजट में कीजिए, और मैंने सुझाव दिया कि इसके लिए आप व्यापक पैमाने पर पौधारोपण करिए, जल छिड़काव करवाइए, नगर निगम क्षेत्र में वाहन जो प्रवेश कर रहे हैं, बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाइए, और मध्यम कोटि के जो वाहन हैं उनके लिए अलग से पड़ाव बनाइए, उसको छोड़ के लोग नगर निगम क्षेत्र में प्रवेश करें। बहुत हल्के छोटी वाहन और ई रिक्शा आदि जो प्रवेश करती है, उसके लिए भी एक प्रतिबंध होगा।